आज शाम में 7 बजे के अंदाजा हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में राजेश मेडिकल का ने वो जो ट्रैफिक सिग्नल के पास एक कार वाला एकदम फास्ट रैश एंड नेग्लिजेंस से गाड़ी चला के 2 मोटरसाइकिल को एक ऑटो वालों को हिट करके वो बेला अरिबोली के तरफ उन्होंने भाग गए। उसमें वही टाइम में एक भीख मांगती है एक औरत सालम्मा बोल के, उनको लगे तो उन्होंने एकदम नीचे रोड पे गिरे तो सर को मार लगा, दूसरा पार्ट में भी मार लग के। जब भी अपना पुलिस वालों को मालूम होते ही अपना जो बीसी वाला फौरन उधर जाके उनको एक ऑटो में बिठा के यूनिवर्सिटी उस्मानिया हॉस्पिटल लेके आया। उस्मानिया वार्ड में लेके थे ट्रीटमेंट के अंदर वो जो सालम्मा बोल के औरत बनलागुड़ा की रहने वाली, उन्होंने मर गए थे इंजुरी से। दूसरा और 4-5 जना इंजूर हो गया। ये वो ऑटो मालूम हो गया कि वो जो कार वाला है ना मोगलपुरा मिर्चो के तरफ से भाग गया बोल के मालूम हो गया। कौन था कार वो? कार अभी तक मालूम नहीं हुआ। हम सीसी कैमरा पूरा एक टीम है सीसी कैमरा वेरीफाई कर रहे हैं। ऐसा कोई भी रहने दो, थोड़ा गाड़ी चलाते समय ये जो पीक आवर्स रहता शाम में सब ड्यूटी करके घर को आते जाता, वो टाइम में ऐसा इतना स्पीड चलाए तो कई लोगों को मुश्किल होता, इसलिए थोड़ा समझा के अरा अच्छा गाड़ी चलाना बोल के मैं सबसे ये विनती कर रहा हूँ। सर एज क्या? सालम्मा का एज रहेगा 38 to 40 years रहेगा। उनको 2 बच्चियाँ हैं, एक बच्चा है, एक बच्ची का शादी भी करिए बोल के सुना। उन्होंने कभी कभी काम करता, कभी ऐसा मांगते भी रहता कहते कहते। उन्होंने बनलागुड़ा के रहने वाले है, एक्चुअली वो बालनगर चादनर के तरफ बालनगर के। उन्होंने सीरियस एक ऑटो ड्राइवर का तो थोड़ा चेस्ट के ऊपर लगा, और एक यशवंत बोल के NFC में कैटरिंग करता है, उनको भी थोड़ा चोट लगा है। सीसी कैमरा देख रहे हैं। ओके सर, कहाँ तक गई वो गाड़ी, कहाँ तक गई? नहीं मालूम हो। देख रहे वो बेला हरी बोल के तरफ गाड़ी वाया बोल के कोई जो देख रहे जो आई विटनेसेस के साथ मालूम हो गया।